हाय एवरीवन एंड वेलकम टू करंट अफेयर्स पंडा। हमने जो सीरीज चला रखी है मशीन इनपुट की, जिसमें हम लोग 10 वीडियो को कवर करेंगे, तो आज है उसका पार्ट 4। तो आने वाले दिनों में आपके जो 7 से 8 दिन है, उसमें मैं इन 6 लेक्चर्स को कवर करवा दूंगी। तो इस पार्ट को हम लोग देखते हैं। इस पार्ट में हम लोग अगेन आपके जो एक न्यू लॉजिक है उसको यहाँ पे कवर करेंगे, कैसे क्रैक करना चाहिए उसको हम यहाँ पे सीखेंगे, एंड क्वेश्चन को बनाते समय हमें किन शॉर्टकट का यूज करना चाहिए वो भी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेट 1 की बात करेंगे। तो सेट 1 जो है, उसमें पहले आप लॉजिक को खुद से जरूर फाइंड करिएगा। तभी अगर आप खुद से फाइंड करेंगे तो आप 2-3 लॉजिक को लेकर फाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो मैं आपको डायरेक्ट जो लॉजिक लग रहा होता है उसे आपको आपके सामने रख देती हूँ, तो आपका दिमाग जो है वो खाली एक ही लॉजिक के लिए चलता है। तो बेहतर है कि आप 2-3 लॉजिक खुद से सोचें, यानी कि आप खुद से सोचेंगे तो आपको खुद 2-3 लॉजिक जो है वो माइंड में आएंगे। देखो यहाँ पे इन्होंने क्या करा है, ये स्टेप 6 है। ओके, ये लिखना रह गया है। अगर आप स्टेप 6 को देखते हो तो स्टेप 6 को अगर आप देखोगे तो ये असेंडिंग एंड डिसेंडिंग आपको नहीं दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो ओ है, फिर यहाँ पे ई इससे छोटा हो गया, ए इससे छोटा हो गया, लेकिन ए से बड़ा एफ हो गया, और एफ से बड़ा एल हो गया, और एल से बड़ा पी हो गया। यानी कि ये यहाँ तक तो डिसेंडिंग में आए और यहाँ से फिर ये असेंडिंग में चलने लगे। तो एक तरीके से आप इतना तो वैसे माइंड लगा लोगे कि जो डिसेंडिंग में चला है वो वॉवल्स है, ठीक है? क्योंकि ओ, ई और ए ये क्या है? वॉवल्स है। और जो असेंडिंग में चला है वो कॉन्सोनेंट है, एफ एल और पी। ये कैसे चले हैं? असेंडिंग में चले हैं। दूसरी बात, अगर आप नंबर्स की तरफ आते हो तो नंबर्स की तरफ आप देखोगे, ये हो गया 858, 414, 232, 363, 686, 898। तो यहां पर भी एक असेंडिंग और डिसेंडिंग में नहीं चल रहे हैं। यहां पर अगेन ये लोग पहले तो ये डिसेंडिंग में आए हैं और फिर ये असेंडिंग में बढ़ गए हैं, इस तरीके से इनका पैटर्न चल रहा है। तो ऐसा पैटर्न जो है वो तभी चलता है जब आपका मशीन इनपुट खाली एक जगह नहीं बल्कि 2 जगह चल रहा हो, इस तरीके से चल रहा हो, ठीक है? ये हमेशा पैटर्न तभी चलता है। अब इन्होंने जो नंबर्स हैं उनको चेंज कैसे करा है, क्योंकि अगर आप ऊपर देखोगे तो ऊपर क्या लिखा है? 23, 85, 36, 41, यानी कि 2 डिजिट के नंबर हैं। जबकि आपका जो लास्ट स्टेप है वहां तक होते होते सारे नंबर कैसे बन गए हैं? 3 डिजिट के बन गए हैं। तो ये 3 डिजिट के कैसे बन गए हैं 2 डिजिट से, इसको हम देखेंगे जब इनपुट से पहले स्टेप को हम यहाँ पे देखेंगे कि इसमें क्या डिफरेंस है। तो अगर आप इनपुट से पहले स्टेप पर आते हो तो यहाँ पर जो 232 है इसको लाया गया है। कहाँ से लाया गया है ये हम तभी देखेंगे जब इनपुट में वो नंबर जो है उस आपका यहाँ पे जब हम बाकी को एज इट इज लगाते हैं वहां पे नहीं मिलेगा। जैसे कि आप देखोगे फुल को इन्होंने यहाँ पे एज इट इज लिख दिया है, फुल के बाद यहाँ पे क्या आना चाहिए था? 23 आना चाहिए था, बट वो यहाँ पे नहीं है। तो 23 यहाँ पे नहीं है, यानी कि 23 को ही आगे ले जाया गया है। शायद हम इसको बोलेंगे कि शायद ले जाया गया है 23 को आगे, क्योंकि यहाँ पे नंबर को चेंज करा गया है। तो 23 को यहाँ पर आगे की तरफ ले गए हैं, ये स्टेप 1 में। फिर यहाँ पे पैरेट ऐसे ही आ गया है, 85 ऐसे आ गया है, 36 यहाँ पर आना चाहिए लेकिन 36 यहाँ पे नहीं है। अगर ये यहाँ पे नहीं है 36, तो ये कहीं ना कहीं तो होना चाहिए। तो हमेशा मशीन इनपुट में 2 ही चेंजेस होते हैं, एक तो राइट एंड और एक लेफ्ट एंड। तो लेफ्ट एंड में तो इन्होंने 23 को चेंज करा है, तो राइट एंड में इन्होंने 36 को चेंज करा होगा। तो आप देखोगे यस, 89 जो लेफ्ट आपका एंड में आना चाहिए वो एंड में नहीं आ रहा है, बल्कि एंड में एक दूसरा नंबर हमें दिखाई पड़ रहा है जो है 363। तो यानी कि आपका 36 जो है वो इन्होंने 363 को चेंज करके बनाया है, एंड 23 को 232 बनाया है, बाकी को इन्होंने एज इट इज लिख दिया है। अब हम ये देखते हैं कि इन्होंने यहां से 23 और यहां से 36 ही क्यों पिक करा। देखो अगर आप देखोगे सबसे पहले इन्होंने 23 को लिया है, ठीक? सबसे पहले 23 को क्यों लिया है? क्योंकि वो 23, 85, 36, 41, 68 एंड 89 इन सारे ही नंबर में वो सबसे छोटा नंबर है, ठीक? जब हम 23 को यहाँ से हटा देंगे, इसका यूज आगे की तरफ कर लेंगे, तो इसके बाद जब हमें राइट एंड में अरेंजमेंट करना है तो उसके लिए हमारे पास खाली एक ही नंबर बचेगा जो सबसे छोटा होगा, 36। मतलब इनमें सबसे छोटा जो नंबर होगा वो कौन सा होगा? फिर 36 होगा। तो 36 का यूज इन्होंने यहाँ पे कर दिया है। अब दूसरी लॉजिक हमें ये फाइंड करना है स्टेप 1 के लिए ही कि 23 को इन्होंने 232 कैसे बनाया और 36 को इन्होंने 363 कैसे बनाया। तो अगर आप देखोगे 23 को इन्होंने 232 कैसे बनाया है, 23 को इन्होंने एज इट इज लिख दिया है और 2 जो है उसको पीछे की ओर उतार दिया है, यानी कि जो पहला डिजिट है उसको पीछे की ओर उतार दिया है। ये आप बिल्कुल साफ देख सकते हो इसमें। ऐसे ही 36 को इन्होंने 363 कैसे बनाया है, 36 आपका एज इट इज लिखा है और 3 को यहाँ पे इन्होंने पीछे की ओर उतार दिया है। तो स्टेप 1 में आपका क्या चला है? देखो स्टेप 1 में इन्होंने नंबर्स को लिया है,
ठीक, नंबर्स को लिया है और दो पैटर्न चल रहे हैं। एक पैटर्न है आपका लेफ्ट एंड, दूसरा पैटर्न है आपका राइट एंड। ठीक, सबसे पहले आपका लेफ्ट एंड में जो स्मॉलेस्ट है उसको लिया है और फिर उस स्मॉलेस्ट यानी कि उस नंबर को हटा के जितने नंबर बचे हैं उसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा उसे लिया है। ठीक, फिर सेकेंड में स्टेप में इन्होंने क्या करा है ये हम देखते हैं। तो सेकेंड स्टेप में आप देखोगे ये जो 232 है ये पीछे की ओर खिसक गया है, यानी कि अब यहाँ पे इन्होंने किस में चेंजेस करे हैं, वर्ड में चेंजेस करे हैं। तो जब आपने 23 को यहाँ पे हटा दिया, 36 को यहाँ पे हटा दिया, तो अब जब वर्ड को लिया है तो वर्ड में इन्होंने किसको लिया है, अलोन को लिया है। तो अलोन यहाँ पे ले लिया है, तो अलोन को यहाँ पे क्यों लिया है ये हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे अलोन जो है वो सबसे छोटा है, सबसे स्मॉलेस्ट है, तो यहाँ पे इन्होंने अलोन ले लिया है, बाकी को इन्होंने एज इट इज उतार दिया है। लेकिन आप देखोगे 363 जो कि एंड में आना चाहिए वो एंड में नहीं आया है, एंड में क्या आ रहा है, फुल आ रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने जो सेकंड स्टेप है उसमें अलोन को लिया है और फुल को लिया है। तो अब हम ये देखेंगे कि अलोन और फुल को क्यों लिया है। एक तो इन्होंने सेकंड स्टेप में वर्ड को यूज करा है, क्यों यूज करा है ये हम देखेंगे। लेफ्ट एंड एंड राइट एंड, अगर यहाँ पे ये लोग एक असेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं तब तो इन्होंने ए को लिया है आपका लेफ्ट एंड में, ठीक है। लेकिन राइट एंड में अगर ये एक असेंडिंग ऑर्डर में सारे वर्ड और नंबर को पिक कर रहे हैं तो इन्हें ईजी को पिक करना चाहिए था, क्योंकि जो आपका ईजी है वो फुल से पहले आएगा। असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपका ई जो है वो एफ से पहले आता है, तो इन्हें ई लेना चाहिए था, लेकिन इन्होंने ई नहीं लिया। इन्होंने क्या लिया है आपका, इधर तो अलोन ले लिया लेकिन इधर इन्होंने फुल लिया। अब देखो ऐसा कब होता है, ऐसा तभी होता है जब यहाँ पे आपकी जो सीरीज है वो कैसे चल रही होती है, वो सीरीज चल रही होती है आपकी वॉवल एंड कॉन्सोनेंट पे, ठीक है। क्योंकि आपका जो अलोन जो वर्ड है वो वॉवल है और वॉवल में सबसे छोटा है, ठीक। फुल जो है वो आपका कॉन्सोनेंट है, और फुल यानी कि एफ जो है वो आपका कॉन्सोनेंट है, और यहाँ पे जितने भी कॉन्सोनेंट है उसमें एफ जो है वो सबसे छोटा है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जब ये लोग वर्ड्स को पिक कर रहे हैं तो इन्होंने उसे दो भागों में बांट दिया है, वॉवल एंड कॉन्सोनेंट। तो फिर इन्होंने वॉवल एंड कॉन्सोनेंट, पहले एक सबसे छोटा वॉवल ले रहे हैं, उसके बाद सबसे छोटा कॉन्सोनेंट राइट एंड पे ले रहे हैं। अब ये थर्ड स्टेप में क्या कर रहे हैं उसे फाइंड करेंगे। तो थर्ड स्टेप में अगेन आपका अलोन खिसक गया है और नंबर आ गया है, तो अलोन हटा दो, फुल हटा दो। नंबर इन्होंने कौन सा लिया है यहाँ पे, तो अगर हम मैंने जो पैटर्न बताया था कि आपका नंबर को ऐसे लिख रहे हैं, खाली फर्स्ट डिजिट को लास्ट में और बढ़ा दे रहे हैं, तो आप देखोगे यानी कि ये वाला नंबर कौन सा होगा, 41 होगा। तो इन्होंने कौन सा लिया है, 41 लिया है, और इन्हें लेना भी 41 चाहिए था, बिकॉज आपका 85, 41, 68 एंड 89 में सबसे छोटा आपका 41 है। तो 41 को इन्होंने आगे की तरफ उतारा, ठीक, यानी कि इन्होंने लेफ्ट एंड में अगेन जो आपका स्मॉलेस्ट था उसको लिया, और राइट एंड में इसी हिसाब से इन्हें जो 41 को हटा के स्मॉलेस्ट बचा है उसको लेना चाहिए, तो वो यहाँ पे क्या होगा फिर 68। तो आप देखोगे यहाँ पे आपका 686 दिखाई दे रहा है, तो ये भी ठीक है, आपका 68 यहाँ पर आ गया। इन स्टेप फोर में इन्हें क्या लेना चाहिए, अब वर्ड लेना चाहिए, क्योंकि अगर नंबर वर्ड नंबर फिर यहाँ पे वर्ड आना चाहिए, तो वर्ड ये कैसा लेंगे, आप देखो यहाँ पे इन्होंने ईजी लिया है, तो वॉवल के बाद अगेन इन्होंने असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग फिर वॉवल लिया है। अब देखो यहाँ पे ई और ओ है, तो ई पहले आएगा या फिर ओ पहले आएगा, तो आपका ई पहले आएगा, इसलिए इन्होंने ई को लिया है। तो अगेन यहाँ पे जो वर्ड ले रहे हैं वो वॉवल ले रहे हैं लेफ्ट एंड में और असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। राइट एंड में इन्होंने क्या लिया है, लैम्प को लिया है, तो राइट एंड में लैम्प को क्यों लिया, क्योंकि एल और पी में से पहले क्या आएगा, आपका एल आएगा, इसलिए यहाँ पे आपका कॉन्सोनेंट ले रहे हैं राइट एंड में और असेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं। तो ये पैटर्न आपका चल रहा है। अब आपने पैटर्न को क्रैक कर लिया है तो आप डायरेक्ट इस पर अपने जो नंबर्स हैं वो डाल सकते हैं और इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो नंबर्स आप कैसे डालोगे, पहला जो आपका स्टेप है उसमें आपको दो नंबर लेने हैं स्मॉलेस्ट, एक लेफ्ट एंड पे लगाओगे और दूसरा राइट एंड पे लगाओगे। लेफ्ट एंड पे स्मॉलेस्ट लगाओगे और राइट एंड पे जो दूसरा स्मॉलेस्ट होगा, सेकंड नंबर पे जो स्मॉलेस्ट होगा उसे लगाओगे। तो फर्स्ट वाला जो आपका स्मॉलेस्ट है वो 22 है, 48, 85, 55, 22, 31 एंड 73 में से 22 सबसे छोटा है, तो फर्स्ट स्टेप पे ये आएगा। एंड इन सेकंड स्टेप आपका सॉरी, और फर्स्ट स्टेप में आपका जो राइट एंड है वहां पे क्या आएगा, 31 आएगा, ठीक। 22 आपका इस साइड में लगेगा और 31 आपका इस साइड में लगेगा। इन स्टेप टू आपका क्या आएगा, अब वर्ड आएगा, लेफ्ट एंड में आप वॉवल को लिखेंगे, राइट एंड में आप कॉन्सोनेंट को लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे लेफ्ट एंड में आप क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे यू है, ओ है और ई है, तो सबसे पहले क्या आएगा, ई आएगा। तो सेकेंड स्टेप में आपका ई पहले आ जाएगा और आपका जो कॉन्सोनेंट है वहां पे क्या आएगा, आपका बॉल आएगा, बी, ठीक, क्योंकि बी पी एंड एच इसमें से सबसे पहले क्या आएगा, आपका बी आएगा। थर्ड नंबर पे आपको अगेन नंबर चाहिए होंगे, तो नंबर आपका 73, 55, 85 एंड 48 सबसे छोटा कौन सा है, 48। तो थर्ड स्टेप में आपका 48 जो है वो कहाँ पर आएगा, लेफ्ट एंड पर आएगा, और राइट एंड पर फिर इससे जस्ट बड़ा यानी कि 55 आएगा थर्ड स्टेप में, ठीक।
देन आगे की बात करते हैं, तो आप फोर्थ स्टेप में आपको वर्ड लेने हैं, तो वर्ड में सबसे पहले आप वॉवल को देखिए, तो यू एंड ओ में से पहले क्या आएगा, ओ आएगा, तो फोर्थ स्टेप में आपका ओ आ जाएगा। एंड फोर्थ स्टेप में आपका कॉन्सोनेंट कौन सा आएगा, तो एच और पी में से एच आएगा, तो फोर्थ स्टेप में आपका एच जो है वो राइट एंड में फिक्स होगा। फिर आपका फिफ्थ स्टेप में अगेन आप नंबर लेंगे, दो ही नंबर बचे हैं, फिफ्थ स्टेप में आपका लेफ्ट एंड पे 73 को आप चेंज करेंगे 737 एंड 85 को चेंज करेंगे 858। एंड सिक्स स्टेप में आपका अनलॉक और पेन जो है वो सेट हो जाएगा। ठीक, तो हमारे 6 स्टेप टोटल बनेंगे। अब इसके क्वेश्चन को देखते हैं, इसके क्वेश्चंस में ध्यान रखिएगा कि पैटर्न क्या चल रहा है। फर्स्ट स्टेप, जैसे कि फर्स्ट स्टेप जो है वो यहाँ पर आएगा, सेकेंड स्टेप उसके जस्ट आगे आएगा, थर्ड स्टेप उसके जस्ट आगे आएगा, फोर्थ स्टेप उसके और आगे आएगा, इस तरीके से पैटर्न चल रहा है। तो इस पैटर्न को आप ध्यान रखिएगा, और दो जो एलिमेंट्स है वो चेंज हो रहे हैं लगातार। अब यहाँ पे ये बोला गया है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ 313 इन स्टेप 5 फ्रॉम द राइट एंड। 313 की जो पोजीशन है वो बतानी है स्टेप फिफ्थ में, तो स्टेप फिफ्थ में बतानी है राइट एंड से, तो 1 2 3 4 सॉरी, इस क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ 313 इन स्टेप 5 फ्रॉम द राइट एंड। स्टेप 5 में राइट एंड से 313 की क्या पोजीशन होगी ये बतानी है। तो देखते हैं स्टेप 5 को हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो हमें राइट एंड, हम लोग क्या कर सकते हैं, राइट एंड से ही बना सकते हैं लगातार, क्योंकि हमें राइट एंड से इसकी पोजीशन फाइंड करनी है। तो राइट एंड से अगर आप देखोगे तो 331 जो है वो किसको चेंज होकर आएगा, 331 जो है वो आपका 31 को चेंज होकर आएगा। ठीक, क्योंकि 31 3 इस तरीके से हम इसको चेंज करेंगे ना, 31 को 313 लिखेंगे ना। अब ये स्टेप 1 में है, तो स्टेप 1 में है तो ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, और इसके पीछे स्टेप 5 तक हमें बनाना है, तो 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, 1 2 3 4 सॉरी, इसके पीछे आपके 4 एलिमेंट और आएंगे, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप है, इसके पीछे सेकंड स्टेप आएगा, फिर थर्ड स्टेप आएगा, फिर फोर्थ स्टेप आएगा और फिर फिफ्थ स्टेप आएगा। तो इसकी जो पोजीशन है यहाँ पे 313 की वो क्या होगी, तो 1 2 3 4 एंड 5 क्या होगी, यहाँ से फिफ्थ होगी। आपको बाकी को लिखने की जरूरत ही नहीं है, आपने इसका स्टेप लिखा, आपको स्टेप पता चल गया कि 31 का स्टेप क्या है, आपने वो लिख दिया। अब फिफ्थ स्टेप तक इसके पीछे कितने आएंगे, हमें आगे से मतलब नहीं है, इसके पीछे कितने आएंगे, तो सेकंड स्टेप वाला एलिमेंट आएगा, थर्ड स्टेप वाला आएगा, फोर्थ स्टेप वाला आएगा, फिफ्थ स्टेप वाला आएगा। अगर सिक्स स्टेप वाले जो एलिमेंट है वो बचते भी हैं तो वो पीछे की ओर नहीं जाएंगे, वो तो बीच में आएंगे ना। ओके, वो कैसे आएंगे, आपके कहाँ एडजस्ट होंगे, वो बीच में एडजस्ट होंगे, क्योंकि ये स्टेप्स तो आगे खिसकते जा रहे हैं, स्टेप्स जो हैं वो पीछे की ओर बढ़ रहे हैं, आपके जो एलिमेंट्स हैं वो पीछे की ओर बढ़ रहे हैं। तो 331 के पीछे वही एलिमेंट्स आएंगे जो कि आपके फिफ्थ स्टेप तक चेंज होंगे। तो फिफ्थ स्टेप तक चेंज कौन कौन से होंगे, सेकेंड स्टेप वाला, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ वाला। तो इसकी जो पोजीशन है वो राइट एंड से क्या हो जाएगी, फिफ्थ हो जाएगी। ओके, तो राइट एंड से यहाँ पे फिफ्थ हो जाएगी। अब अच्छा, यही पोजीशन इन्होंने लेफ्ट एंड से पूछी होती तो आप क्या करते, आपका जो मैंने एक चैप्टर पढ़ाया है रैंकिंग एंड ऑर्डर वाला, आप वो लगाते। ठीक है, वो कैसे लगाते कि इसकी जो है 1 2 3 4 फिफ्थ, फिफ्थ स्टेप, फिफ्थ जो आपकी पोजीशन है वो राइट एंड से है तो लेफ्ट एंड से क्या होगी, तो यहाँ पे जो टोटल होता है उसमें से आप क्या करते, इसकी पोजीशन को माइनस कर देते या फिर 4 को माइनस कर देते। 4 को माइनस करने के बाद जो भी आंसर आता वो इसकी लेफ्ट एंड से पोजीशन होती। ओके, तो अगर कभी लेफ्ट एंड से पूछे तो इस तरीके से फाइंड कर सकते हो, पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, राइट एंड से बनाकर और उसको माइनस कर सकते हो। देन आगे कह रहे हैं, इन स्टेप 6 इफ ओनली इज रिलेटेड टू 313 इन द सेम वे एज इन स्टेप 2 85 इज रिलेटेड टू 73 इन अ सर्टेन वे, देन इन स्टेप 3 अनलॉक इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग इन द सेम वे। देखो, ये वाला जो आपका क्वेश्चन है इसमें आपको स्टेप्स बनाने पड़ेंगे, आपको स्टेप 6 भी बनाना पड़ेगा, स्टेप 2 भी बनाना पड़ेगा और स्टेप 3 भी बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके ये आपसे ये पूछा गया है कि कौन सा एलिमेंट किस तरीके से रिलेटेड है और फिर उसी के बेस पर वही लॉजिक लगाते हुए आपको स्टेप 3 में बताना है कि स्टेप 3 में आपका क्या लॉजिक लगेगा या फिर जो आपका स्टेप 3 में अनलॉक है वो उसी पैटर्न पे कैसे दूसरे से रिलेटेड होगा। तो ये आप तभी फाइंड कर सकते हो जब आप स्टेप 6 या फिर स्टेप 2 बनाओ। ठीक है, तो आप स्टेप 6 और स्टेप 2 को बनाएंगे और फिर उससे स्टेप 3 वाले को फाइंड करेंगे कि स्टेप 3 में आपका जो अनलॉक है उसी पर किस चीज से रिलेटेड है या फिर किस एलिमेंट से रिलेटेड है। तो आप इसे बनाइए और फिर कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। स्टेप 6 और स्टेप 2 बनाइएगा, खाली दो ही स्टेप बनाइएगा, ज्यादा बाकी के स्टेप जो नहीं पूछे गए हैं उन स्टेप्स को नहीं बनाइएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सम ऑफ नंबर 6 फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन स्टेप 3 एंड 4 फ्रॉम द राइट एंड इन स्टेप 4। देखो, इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो ये ध्यान रखना नंबर्स की बात करी गई है, तो खाली खाली नंबर्स को आप फाइंड करो स्टेप 3 में। तो 1 2 3
5 एंड 6, यहाँ पे जो नंबर आएगा हमें स्टेप 3 में उसको फाइंड करना है। तो स्टेप 3 में यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा? देखो यहाँ पर आपका उल्टा पैटर्न चल रहा है, ये स्टेप 3 वाला नंबर होगा, ठीक, ये स्टेप 2 वाला एलिमेंट होगा, ये स्टेप 1 वाला होगा, ठीक। तो 3 वाला ये होगा, 2 वाला ये होगा, 1 वाला ये होगा, और उसके अलावा 3 के बाद जितने भी एलिमेंट्स बचेंगे उनको यहाँ पर एज इट इज उतारा जाएगा। तो उनको जब यहाँ पे एज इट इज उतारा जाएगा तो आप देखो 48 का यूज हो गया होगा, 48 को हटा दो, फिर 55 का यूज हो गया होगा, 22 का यूज हो गया होगा, 31 का यूज हो गया होगा, बॉल का यूज हो गया होगा, ईस्ट का यूज हो गया होगा, ठीक। यानी कि 3 2 1 में जो स्टेप आपके एलिमेंट्स होंगे उनका यूज हो गया होगा थर्ड स्टेप में। अब बचे कौन सा? हीरो। तो यहां पर क्या आएगा? आपका हीरो आएगा, यहां पे क्या आएगा? आपका अनलॉक आएगा, और यहां पे क्या आएगा? 85 आएगा। 85 ही आएगा, 858 नहीं आएगा, आप ये इसको गलत ना करें, क्या आएगा? 85 आएगा। अब आपको फाइंड करना है कि राइट एंड से फोर्थ स्टेप में फोर्थ नंबर पे क्या होगा। तो देखो 1 2 3 एंड 4, अब यहाँ पे जो आपका ये चार पोजीशन बताई गई हैं इसके बारे में ये कहा गया है कि ये फोर्थ स्टेप होगा। तो फोर्थ स्टेप होगा यानी कि ये कौन सा होगा? ये फोर्थ नंबर होगा। ये आपका थर्ड में क्या होगा? वर्ड होगा। सेकंड में आपका क्या होगा? नंबर होगा। और ये फर्स्ट स्टेप में क्या होगा आपका? सॉरी, फोर्थ में आपका फोर्थ वाला एलिमेंट होगा, थर्ड में आपका थर्ड वाला एलिमेंट होगा, सेकंड में आपका सेकंड वाला एलिमेंट होगा, और फर्स्ट में आपका फर्स्ट वाला एलिमेंट होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे या फिर फर्स्ट स्टेप में आपके कौन से नंबर है ये आप देख लो। तो फर्स्ट स्टेप में आपका एक तो 31 है, एक 22 है, तो 22 तो आपका इस साइड में चला जाएगा, 31 इस साइड में आएगा। तो 31 जब इस साइड में होगा तो ये यहाँ पे चेंज होगा, तो चेंज होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये 313। तो आपको बाकी को यहाँ पे फाइंड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपका नंबर होगा, यहाँ पे वर्ड होगा, फिर यहाँ पे नंबर होगा, यहाँ पे वर्ड होगा, ओके। तो यहाँ पे आपका 313 होगा इस जगह पे, और यही जो जगह है वो कौन सी पोजीशन है? वो राइट एंड से फोर्थ नंबर पे है, यानी कि 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे क्या जाएगा? 313। इसको आप क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे, तो कितना आ जाएगा? 398। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अब हम लोग देखते हैं सेट टू को। सेट टू पे खाली जो आपका ये क्वेश्चन गिवन है इसका मैं लॉजिक बताऊंगी, इसका जो नंबर्स पढ़ेंगे मैंने बताऊंगी, आगे के क्वेश्चंस को मैंने इस तरीके से लिख दिया है। इन तीनों ही क्वेश्चन को आप फाइंड करेंगे। आप खुद से भी देखिए कि ये जो शॉर्टकट वाला मेथड है इससे इसमें आप इसको कर पा रहे हैं या फिर नहीं, तो ये भी आप खुद को टेस्ट करके देखिए। तो इन तीन क्वेश्चंस को मैं आपके लिए छोड़ूंगी, क्योंकि पीछे वाला जो सेट है उसमें मैंने दो क्वेश्चंस को आपको समझाया है, क्वेश्चन मैंने एज अ होमवर्क दिया है, वो भी मैंने इसलिए दिया है क्योंकि उसमें कोई शॉर्टकट नहीं लगना है, उसको आपको करना पड़ेगा। अगर उसमें कोई शॉर्टकट लगता तो मैं आप लोग को वो जरूर बताती। अब यहाँ पे आप ये देखिए कि इसका जो लॉजिक है वो क्या है। तो अगेन आप इनपुट से स्टेप वन पर आ जाइए। तो इनपुट से जब आप स्टेप वन पर आओगे तो यहाँ पर क्या लाया गया है? यूनिक को आगे लाया गया है, बाकी ए एन टी एंड को ऐसे लिख दिया गया है, डॉग को ऐसे लिख दिया गया है, फिर यहाँ पे 26 नहीं लिखा गया है। तो यानी कि इन फर्स्ट स्टेप इन्होंने क्या करा है, आपका जो लेफ्ट एंड है उसमें इन्होंने यहां पे किसको लिया है? एक तो आप ये माइंड में रखो कि वॉवेल है, दूसरा यहां पे देखो यू के बाद कोई और यहां पे लेटर ऐसा है जो यू के बाद आ रहा है, तो यू के बाद और कोई लेटर नहीं आ रहा है। तो ये भी हो सकता है कि यहां पे इन्होंने वॉवेल ना लेके आपका जो सबसे बाद में नंबर आता है एज पर असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग सबसे पहले आएगा उसको ले लिया है, यानी कि सबसे लास्ट वाला जो आपका एलिमेंट है या फिर लास्ट वाला जो आपका वर्ड है उसको यहां पे इन्होंने पिक करा है। फिर राइट एंड में इन्होंने किसे पिक करा है? तो आप देखोगे 26 जो यहां पे नहीं लिखा गया है उसको इन्होंने चेंज करके यहां पे लिखा है 28। अब 26 से 28 कैसे बदला? 26 से 28 ऐसे बदलेगा कि आप प्लस 2 कर दो, ओके? तो इन्होंने क्या करा है यहां पे, फिर ले लिया है नंबर। अब नंबर यहां पे इन्होंने 26 को ही क्यों लिया है? तो नंबर यहां पे 26 को इसलिए लिया है क्योंकि ये सबसे छोटा है। अब इन्होंने इवन और ऑड के अकॉर्डिंग लिया है, ये तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन इन्होंने यहां पे अभी क्या चल रहा है, अभी यहां पे इन्होंने सबसे स्मॉलेस्ट को ले लिया है इन स्टेप वन। अब स्टेप सेकंड की बात करते हैं, तो यहां पे इन्होंने यूनिक को ले लिया है, आगे लिख दिया, 26 को पीछे लिख दिया प्लस 2 करके, और बाकी को इन्होंने एज इट इज उतार दिया है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे जो वर्ड्स हैं उनको ऐसे उतार दिया गया है। यहाँ पे यूनिक आगे चला गया, 62 आ गया, 59, 49 हो गया, एयर पी 73, 42 हेलो एंड 31। अब स्टेप टू की बात करते हैं, तो स्टेप टू में ये अब इन्होंने स्टेप टू में क्या करा है? स्टेप टू में देखो इन्होंने उल्टा कर दिया है। उल्टा क्या करा है कि यहाँ पे ये नंबर्स को आगे ले आए हैं और यहाँ पे जो आपका लेटर है उसको पीछे की ओर ले आए हैं, यानी कि जो वर्ड है उसको पीछे की ओर ले आए हैं।
कैसे करा है इन्होंने, जैसे कि आप देखिए इनपुट में यहाँ पे आप 26 को हटा दीजिए और यूनिक को हटा दीजिए, तो इन्होंने किसको लिया है, 32 को लिया है। 32 को ये इन्होंने कैसे लिया होगा, अगर आप यहाँ पे देखोगे इससे अगर इसे मैच करोगे तो आपका जो आपका एंट है वो ऐसे लिखा हुआ है, यूनिक जो है वो यहाँ से आगे आया है, डॉग जो है वो ऐसे लिखा है, 62 ऐसे लिखा है, 49 ऐसे लिखा है, ईयर ऐसे लिखा है, पीज यहाँ से गायब है, तो पीज को इन्होंने कैसे लिख दिया है, पीछे लिख दिया है। तो पी को इन्होंने पीछे कैसे लिख दिया है, क्योंकि आपका जो यूनिक है उसके जाने के बाद एज पर डिसेंडिंग ऑर्डर सबसे पहले आपका क्या आएगा, पी ही आएगा, राइट, क्योंकि ई एच डी और ए बाद में आएंगे एज पर डिसेंडिंग ऑर्डर, याद रखिएगा डिसेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग चल रहे हैं ये। आपका जो पी है उसे क्या कर दिया है, सबसे लास्ट में लिख दिया है, यानी कि अब जो आपका राइट एंड है उसमें इन्होंने वर्ड लिया है जो सबसे लास्ट में आएगा, और लेफ्ट एंड में इन्होंने क्या लिया है, नंबर ले लिया है। सो लेफ्ट एंड में इन्होंने नंबर ले लिया है, नंबर इन्होंने कौन सा लिया है, तो यहाँ पर आप देखोगे पी को इन्होंने ऐसे लिख दिया है, 73 की अगर आप बात करोगे तो ये यहाँ पर उतरा हुआ है, 43 यहाँ पे उतरा है, हेलो यहाँ पर है, फिर 28 जो आपका यहाँ पर है वो ऐसे ही आ गया है, 31 यहाँ पे गायब है। सो 31 जो यहाँ पर गायब है उसी को इन्होंने 32 में चेंज करा है। सो 31 में को 32 में कैसे चेंज करा है, +1 करके। अब देखो यहाँ पे जो आपका 26 था उसमें इन्होंने +2 करा था, तो इन्होंने 28 करा, लेकिन जो 31 है उसमें +1 करा और उसे 32 बनाया, ऐसा क्यों, क्योंकि 26 एक इवन नंबर है और 31 एक ऑड नंबर है, तो इनका पैटर्न क्या चल सकता है कि जो इवन नंबर होंगे उसमें हमें +2 करना है और जो ऑड नंबर होंगे उसे हमें +1 करना है। फिर स्टेप 3 की बात करते हैं, सो स्टेप 3 में आपका क्या हो गया, जो आपका नंबर है उसको आगे बढ़ा दिया गया और स्टेप 3 में आपका जो वर्ड है उसको लेफ्ट एंड पे लेकर आए, यानी कि जो स्टेप 1 में चल रहा था कि लेफ्ट में आपको वर्ड को लेना है एज पर डिसेंडिंग ऑर्डर और राइट में आपको नंबर लेने हैं एज पर असेंडिंग ऑर्डर, लेकिन सेकेंड स्टेप में इन्होंने उल्टा कर दिया, आपका जो लेफ्ट साइड है उसमें नंबर ले लिया एज पर असेंडिंग ऑर्डर और राइट में इन्होंने वर्ड ले लिया एज पर डिसेंडिंग ऑर्डर, तो थर्ड में अगेन ये क्या करेंगे, जो आपकी लेफ्ट साइड होगी उसमें ये वर्ड को लेंगे एज पर डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या करेंगे ये लोग, लेफ्ट लेफ्ट में ये लोग वर्ड को लेंगे एज पर डिसेंडिंग ऑर्डर और यहाँ पे क्या लेंगे, नंबर लेंगे एज पर असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे देखो इन्होंने किसका यूज करा है, ईयर का यूज करा है, लेकिन अगर ये एक डिसेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो जब इन्होंने पी वाले वर्ड जो है उसको जब यहाँ पे यूज करा तो उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग तो आपका क्या आना चाहिए, एच आना चाहिए था, हेलो आना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन हेलो यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ पे ईयर आ रहा है, यानी कि ये जो वर्ड का पैटर्न चला रहे हैं वर्ड के पैटर्न में भी ये लोग कैसे चल रहे हैं, आपका वॉवल और कॉन्सोनेंट को लेके चल रहे हैं, जो आपका राइट एंड है उसमें ये लोग डिसेंडिंग में आपके कॉन्सोनेंट को लेकर आएंगे और जो लेफ्ट एंड है उसमें डिसेंडिंग को ये क्या लेकर आएंगे, आपके वॉवल को लेकर आएंगे, इनका पैटर्न ये चल रहा है, इसलिए इन्होंने यहाँ पे क्या लिया है, ईयर को लिया है, तो ईयर को ये यहाँ पे लिया है, बाकी इन्होंने एज इट इज लिखा और 42 को इन्होंने चेंज करा, यानी कि इसके जस्ट जो बाद वाला नंबर था या फिर जो बाकी में सबसे जो स्मॉलेस्ट नंबर बचा है 31 को हटाने के बाद उसको यहाँ पे पिक करा और वो एक इवन नंबर था इसलिए इन्होंने इसको 44 लिख दिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या चेंजेस होने चाहिए, तो आप अपने आप से सोचिए कि नेक्स्ट स्टेप में जब यहां पे आपका क्या आया है वर्ड सॉरी यहां पर आपका नंबर आ गया है, तो अब आपका राइट एंड में क्या आएगा, वर्ड आएगा और लेफ्ट एंड में क्या आएगा, नंबर आएगा, तो नंबर क्या आएगा 42 को हटाने के बाद यहां पे क्या आएगा 49 का यूज करेंगे, 49 में +1 करेंगे तो यहां पे 50 आ गया है और राइट एंड में क्या आना चाहिए, राइट एंड में वर्ड आएगा और वर्ड कौन सा आएगा, कॉन्सोनेंट वाला आएगा, तो यहां पे आप देखोगे एच और डी इनमें से आपका जो डिसेंडिंग ऑर्डर है उसमें डी आएगा या फिर एच आएगा, तो एच आएगा इसलिए यहां पे हेलो आ गया है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा तो देखो यहां पे वर्ड का यूज हो गया है, अब यानी कि आपका राइट एंड में आएगा नंबर और लेफ्ट एंड में आएगा वर्ड, तो वर्ड कौन सा आएगा, यहां पे वॉवल आएगा, तो वॉवल आपका जो ईयर का तो यूज हो चुका है ना, वॉवल आपका एक ही बचा है एंड, तो वो यहां पर आ जाएगा, बाकी को एज इट इज उतार देंगे। नंबर 62, 49 एंड 73 में से यहाँ पे किसको पिक करेंगे, सॉरी 49 हो गया ना यहाँ पे यूज, यस 49 यूज हो गया है, तो 62 एंड 73 में से किसे पिक करेंगे, यहाँ पे तो 62 को पिक करेंगे, 62 इज अ इवन नंबर तो इसमें +2 कर देंगे और 64 यहाँ पे लिख देंगे। अब जो आपको जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें जब यहाँ पे किसका यूज करा गया है, नंबर, यानी कि यहाँ पर आएगा वर्ड और वर्ड आएगा कॉन्सोनेंट, यहाँ पर क्या आ जाएगा, नंबर, तो कॉन्सोनेंट वर्ड जो यहाँ पे बचा है डॉग तो उसको हम लिख देंगे और जो आपका नंबर बचा है यहाँ पे 73 उसको हम +1 कर देंगे बिकॉज 73 इज अ ऑड नंबर, तो 73 को हम 74 यहाँ पे लिख देंगे, तो काफी कंफ्यूज करने वाला पैटर्न है इनका।
लेकिन फिर भी अगर आपको इसे सही से करना है तो सीधा सा आपका लॉजिक है कि आप स्टेप वन को या तो लिख लो, यानी कि आप इस लॉजिक को लिख लो, और अगर लिख नहीं सकते हो तो आप इस पे नजर डालते जाओ कि स्टेप इनपुट से स्टेप वन में क्या चेंजेस हुए, स्टेप टू में क्या चेंजेस हुए, और अपने नंबर्स जो है इस पे डालते जाओ। तो स्टेप वन में आपके क्या चेंजेस हुए थे, आपका जो राइट एंड है उसमें इन्होंने वॉवल लिया है एज पर डिसेंडिंग ऑर्डर, और सॉरी लेफ्ट एंड में, और राइट एंड में इन्होंने क्या लिया है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को लिया है। तो आपका फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, वॉवल देखो डिसेंडिंग के अकॉर्डिंग, यानी कि वॉवल आपका डिसेंडिंग के अकॉर्डिंग क्या आएगा, ऑरेंज, क्योंकि ओ ई और आई में से आपका जो ऑरेंज है वो ही सबसे पहले आएगा डिसेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग। तो आपका फर्स्ट स्टेप में आपका ऑरेंज चेंज होगा, यानी कि आगे की ओर आएगा, और आपका जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है वो राइट एंड में आएगा, तो वो होगा आपका 7। तो फर्स्ट में आपका ये चेंज होगा। सेकेंड में आपका क्या आएगा, सो सेकेंड में आप यहाँ पे देखो जो राइट एंड है उसमें आपको कॉन्सोनेंट लेना है एज पर डिसेंडिंग ऑर्डर, और जो आपका लेफ्ट एंड है उसमें आपको नंबर लेना है एज पर असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि स्मॉलेस्ट को। तो आपका जो यहाँ पे राइट एंड है कॉन्सोनेंट देखो उसमें, तो के एफ और एस इनमें सबसे पहले क्या आएगा, एस आएगा डिसेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग। तो सेकेंड स्टेप में आपका राइट एंड पर एस फिक्स होगा, और आपका जो नंबर है वो कौन सा आएगा, आपका यहाँ पे 12, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका लेफ्ट एंड में। अब थर्ड नंबर पे आपको क्या फाइंड करना है, यहाँ पे वॉवल देख लो, तो अब तो आपको जब आप दो स्टेप बना लोगे तो आपके माइंड में खुद सेट हो जाएगा। तो वॉवल यहाँ पे क्या आएगा, आपका आइडिया आएगा, तो थर्ड स्टेप में आपका ये आएगा, और नंबर कौन सा आएगा, आपका 13 आएगा, क्योंकि ये असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो थर्ड स्टेप में ये आ जाएगा। फोर्थ की अगर आप बात करते हो तो फोर्थ में अगेन आपको कॉन्सोनेंट चाहिए, तो कॉन्सोनेंट यहाँ पे के और एफ में से पहले कौन सा आएगा एज पर डिसेंडिंग ऑर्डर, तो के आएगा, तो फोर्थ स्टेप में ये आ जाएगा। नंबर हम 13 से जस्ट बड़ा ले लेंगे, तो 45, 58 एंड 24 में से 24 आएगा, तो फोर्थ नंबर पे ये आ जाएगा। फिफ्थ पे अगेन हम क्या लेंगे, यहाँ पे वॉवल लेंगे, तो फिफ्थ पे जब आप वॉवल लोगे तो यहाँ पे आपका जो ई है उसको ले लोगे, तो फिफ्थ यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। और जो नंबर है वो कौन सा लोगे, 45 एंड 58 में से, तो 45 लोगे, तो फिफ्थ नंबर पे ये आ जाएगा। सिक्स नंबर पे जो आपका फिफ्थ बचेगा और 58 बचेगा वो यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। तो छह स्टेप इसके टोटल बनेंगे। अब यहाँ पे मैंने आपके नंबर्स डाल दिए हैं, फेयर करके दिखाऊं तो 6 1 3 5 6 5 2 4 4 3 1 एंड 2, ओके, ये मैंने फेयर दिखा दिया है। अब आप जो है इसको अपनी कॉपी में एक बार नोट कर लीजिए, और ये जो तीनों क्वेश्चन है इनका आंसर आप लोग मुझे दीजिए, क्योंकि तीनों क्वेश्चन जो है उनका शॉर्टकट में यूज करा जा चुका है, और इन शॉर्टकट को मैं इस लेक्चर में और इससे पहले वाले जो तीन पार्ट्स आए हैं उस दो पार्ट्स जो आए हैं, मैं तीन की बात नहीं करूंगी बिकॉज एक में तो मैंने चाइनीज कोडिंग डिस्कस करी थी, तो बाकी के जो दो पार्ट आए हैं उसे मैंने डिस्कस करा है। तो आप लोग इसको फाइंड करिए और बताइए कमेंट सेक्शन में 1, 2 एंड 3 का आंसर क्या होगा। तो मशीन इनपुट की जो सीरीज है उसको लगातार प्लेलिस्ट में ऐड करा जा रहा है, तो अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो आप वो पार्ट यहाँ पे जाके व्यू कर सकते हैं। कुछ वीडियोस को यहाँ पे ऐड करा गया है जो कि आपके बैंक, एसएससी एंड रेलवे के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।